दिखाओ दिखाओ तो सही बहेगा, हवा पानी कुछ नहीं जाएगा इसमें। छोटे समय भी यूज करना, अगर ये रुआ भुआ कुछ आ गया कलर। आपकी भी ऐसी है गाड़ी सर? सेम गाड़ी है इस साइड से, इसमें और यहाँ पे लगे और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अलावा। ये बैग है ठीक है सर, जाएंगे तो कस्टम लाएगा, बंसर लाएगा। अच्छा दो तीन से क्या आता है आपने देखा होगा कि हम गए थे पूर्णागिरी माता के दर्शन करके आए थे, तो आई होप आपने भी वहाँ के दर्शन करे होंगे, आपको ब्लॉग वाला अच्छा लगा होगा। तो ये ब्लॉग में आज हम जाने वाले तो इंडिया से बाहर, तो ये वाला ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आप लोग यार इस ब्लॉग में भी अपना प्यार बनाए रखना। तो फिलहाल जो लोग भाई कर रहे हैं कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग, तो गाइज अभी मेरी वाले ब्लॉग की एडिटिंग हुई नहीं है, तो वो भी देखते हैं अभी जाके साथ में लोग भाई। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। एक गांव कंचनपुर पड़ता है, उस साइड एक सिद्ध बाबा का मंदिर है, तो वहां भी जाएंगे मंदिर में, तो आपको भी दिखाते हैं वहाँ के प्यारे प्यारे लम्हे और लोगों से मिलाते हैं आपको। यहाँ से 7:30-8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे फटाफट से आगे के लिए, तो आप लोग प्यार बनाए रहना यार इसी तरीके से। सो गाइस लगेज वगैरह ले लिया, हेलमेट ले लिया, फटाफट से निकलते हैं भैया। ओ भाई लो कहाँ गए पानी, अच्छा चल के देखते हैं लो भाई को भी यहाँ से। सॉरी ओ भाई, तो भाई होता नीचे पर रुके हुए थे सगुन वाले पे, तो फिलहाल लगेज वगैरह पैक कर रहे लोग भाई, निकलते हैं फिर जाते हैं फटाफट से भाई, बढ़िया लगेज चले। सो गाइस आगे आने के बाद हमें देखने को मिलती है शारदा नदी जो इंडिया और नेपाल को जोड़ती है, तो इसके बीच पे पहुंच गए हम जस्ट शारदा नदी पे। तो ये है भैया शारदा नदी का बीच, तो यहाँ पे जो है ना आर्मी वगैरह की जो चेकिंग वगैरह भी चलती है, तो यहाँ से शायद मुझे लग रहा है आगे चेकिंग होगी। तो ये है भाई बीच जो इंडिया और नेपाल के बीच को जोड़ता है, यहाँ पर यह रास्ता आगे नहीं। ओके सर, ओके सर। सो गाइस दो जगह पे चेकिंग कराने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं नेपाल में, और यहाँ से अब नेपाल के आपको हसीन लम्हे दिखाते हुए चलते हैं। इस साइड है इंडिया और अभी मैं जो खड़ा हूँ इधर पे नेपाल है, तो इधर पे जो है ना चेकिंग होती है इस साइड पे, और इस साइड पे जो है ना चेकिंग होती है बहुत तगड़ी भाई। दो जगह लैगेज चेक होते हैं पूरे लैगेज, और इधर पे जो है ना आईडी प्रूफ और एंट्री करवानी पड़ती है, तो उसके बाद आपको नेपाल में एंट्री करने को मिलती है। और पीछे मेरे देखोगे शारदा नदी का क्या प्यारा सा व्यू आ रहा है। तो यार गाइज आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने तो कैमरा वगैरह बंद कर दिया भाई, वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो लव भाई का गोप्रो ऑन था उस टाइम पे, तो उन्हें देखा नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर कुछ वीडियो शूट हुई है लव भाई की। तो क्या प्यारा सा व्यू है, यह है शारदा नदी, और अब हम चलते हैं यहाँ से आगे के लिए और चलते हैं यहाँ से कंचनपुर। सो गाइज यहाँ पर कर दिया गाड़ी पार्किंग, अब चलते हैं यहाँ से पैदल ट्रैकिंग। कितना है 500 मीटर लगभग होगा यहाँ से पैदल ट्रैकिंग, तो चलते हैं भैया आपको। सो गाइज ये है कंचनपुर मार्केट नेपाल की, तो पहुंच चुके फाइनली भाई नानू पहाड़ी तुम्हारे इस मार्केट में। चलते हैं आगे सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे हम यहाँ से घर के लिए आज, तो शायद शाम तक पहुंच जाएंगे हल्द्वानी, देखते क्या रहता है। तो गाइज फाइनली पहुँच गए प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर पर, तो एक बार सभी बोलोगे जय। भाई सिद्ध बाबा के मंदिर पे जो है पीछे देखोगे ना मेन टेंपल ये है सिद्ध बाबा मंदिर का, तो भाई दर्शन वगैरह करते हैं इधर पे। जय हो। जब आप पूर्णागिरी के दर्शन करते हो ना माता के, तो उसके बाद यहाँ पर आपको दर्शन करने अनिवार्य होते हैं इस मंदिर पे, तो नहीं तो दर्शन हो जाए ना अधूरे रहते हैं। तो जब भी आप पूर्णागिरी के दर्शन करोगे तो उसके बाद यहाँ आके जरूर दर्शन करना सिद्ध बाबा के, तो एक बार हम भी दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन वगैरह करा लेते हैं नजदीक से। तो बाकी देखिए ये है सिद्ध बाबा, वाह। तो फिलहाल जो है ना गाइज भाई मेरा सपना था यहाँ आने का, और आ गया मैं नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर पे। तो कैसा लग रहा है यार आपको ज़रूर बताना, यहाँ के जो है ना बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो यहाँ पर आके ना बहुत प्यारा सा, और यहाँ के जो है ना लोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं अभी जैसे। तो फिलहाल ये है मेन टेम्पल पीछे देखोगे सिद्ध बाबा का, तो यहाँ भी दर्शन वगैरह करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं,
फिर निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए थोड़ा। सो गाइस जो है ना प्राचीन सिद्ध बाबा का जो मूल स्थान है ना यहाँ पर है, तो यहाँ पर पंडित जी से टीका वगैरह लगा लेते हैं फिर चलते हैं आगे के लिए। नो मंत्रार्था सफला संत करुणा संत मनोरथा शत्रुणाम विजनाथ मित्राणाम मुदेष्ट बाबा की जय। सो गाइस जो है ना टीका वगैरह भी लगा लिया पंडित जी से, तो जो है ना प्राचीन जो था ना सिद्ध बाबा का स्थान तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर था, तो प्रसाद वगैरह भी ले लिया, तो प्रसाद वगैरह को लेके रखते हैं जेब में फिर इसके बाद चलते हैं। मूल स्थान यही है ना पुराना मूल स्थान ना। अभी मैं जो है सिद्ध बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो यहाँ पर करते हैं ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी खाते हैं चाय पीते हैं बस हो गया। अच्छा हाँ बाग जला अच्छा अच्छा ये गोलापार गोलापार जला उधर हुआ गोलापार गोलापुर में वही यहाँ स्टेडियम बनाया अभी स्टेडियम भी बनावा नया स्टेडियम बना था कुछ नेपाल में भी चुनाव हो गए ना शायद। तो वगैरह भी कंप्लीट हो गया है तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए, हाथ वगैरह धो लिए कंप्लीट हो गया तो अब चलते हैं यहाँ से महेंद्र नगर के लिए, घूमते हैं थोड़ी देर मार्केट वगैरह तो फिर उसके बाद निकलेंगे भाई हल्द्वानी के लिए यहाँ से। तो यार आप प्यार और सपोर्ट बनाए रहना। ये वाला लेना ये 2250 की है, ये वाली पार्टी वियर 2250 हाँ ये वाला है। ऑडियंस को जो बोलते हैं नेपाल में सस्ते कपड़े मिलते हैं उनको दिखाओ जरा, क्वालिटी अलग होती है ना फिर जो सस्ते मिलते हैं ना वहाँ के वाले, जो कोरियन आइटम होता है वो तो महंगा ही होता है, जो इंडियन आइटम है वो सस्ता होता है। इंडियन आइटम यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन जैकेट यहाँ की भी यूज कर लेना आप, वहाँ की भी यूज हाँ कर लेना आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस तो होगा खैर। हाँ ये वाला भी बड़ी, कृष्णा को फोन करो 2200 की लेना, ये वाला लेना ये 1650 की, ये भी बड़ी आइटम है, ये वाला भी 1650 का है, बहुत अच्छा आइटम है, गर्म रहेगा हवा पानी कुछ नहीं जाएगा इसमें। तो दोनों जैकेट वगैरह ले लिया हमने आंटी की दुकान से, तो आंटी ने मतलब सही रेट लगा दिए जैकेट वगैरह, तो आप भी जब भी आओगे तो आंटी की दुकान से लेना जैकेट वगैरह, देख लो भाई इंडिया वाले जो भी हो जितने भी लोग यहाँ आएंगे ना नेपाल पे तो यहीं से लेना जैकेट। तो आपकी दुकान का नाम क्या आंटी? सूरज क्लॉथ करके इनकी दुकान है, तो ये सामने देखोगे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो फिलहाल भाई अब यहाँ से जैकेट वगैरह पैक करते हैं और निकलते फिर आगे के लिए फटाफट से। ये लेना ये ले जाओ, इसका भी 800 लगा दिया ठीक है, ये वाले में कलर एक दूसरे, लेकिन लो भैया ये आप पे लग बढ़िया रही थी ये वाली मैंने जब आपने पहनी थी आंटी, 800 कह रही इसके यार बहुत ही नहीं है भैया। यहाँ देखो ना एक बार ये चीज, ये छोटे समय भी यूज करना, अगर ये रुआ भुआ कुछ आ गया कलर फेड हो गया मेरा होगा, अगली बार फिर लेके जाएंगे ना आंटी, सस्ता लगाओ दोबारा आने वाला तो छोड़ो, दोबारा नहीं हम 100 बार लगा आधे रास्ते में सोच रहे यार आंटी ने महंगा लगाया, अब नहीं जाएंगे नेपाल लाएंगे, ऐसा नहीं बोलो भैया, वही मैं कह रहा हूँ सस्ता लगाओ बोलोगे तो तो हमने ना यहाँ से 5-6 जैकेट ले ली, 3-4 दोस्तों के लिए ले ली, एक अपने लिए ले ली, एक अपने साथ वालों के लिए ले ली, फिर लव भाई ने भी ले ली, तो यहाँ पर जो है ना 1-1.5 घंटा हो गया हमें
तो जैकेट वगैरह लेते हुए फिर पैक कराते हैं इनको, निकलते हैं फिर यहाँ से आगे के लिए, देखते हैं कैसा रहता है सीन। ना भाई नेपाल से देखो कितना माल लेके जा रहा हूँ इंडिया में, देखो भाई हाथों में दर्द हो गई बहुत तगड़ी भाई, इनको पकड़ते पकड़ते बाइक है आगे भाई, इन्हें अपने लिए तो शॉपिंग कर ली, मेरे को हेलमेट पकड़ा दिया देखो भाई, ये होता है जिसके पास पैसा होता है उसके पास नहीं होता है, ऐसा ही सही भाई। बाइक में दवा घूम रही है, दवा की शीशियाँ 4-5 शीशियाँ हैं बस, ये दवा लेके घूम रहे, और मेरे हाथ में देखो ना 6-7 जैकेट हैं भाई, तगड़ी बहुत तगड़ी शॉपिंग कर ली भाई नेपाल से, पूरा माल जाएगा इंडिया में भाई नेपाल का, है ना गाइज। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कम शेयर करना, ज़्यादा मत करना फिर वायरल हो जाएगी वीडियो गाइज, ठीक है। शेयर कम करना, बस लाइक कर देना, वायरल ज़्यादा नहीं करनी है वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल निकलते हैं भाई ये नेपाल की हसीन वादियों से इंडिया को होते हुए, ठीक है गाइज। भाई सर यहाँ अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं अंदर, जा सकते पहले कि नहीं ले, महेंद्र नगर जाने सर, महेंद्र नगर के लिए अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, यहाँ अंदर मार्केट में ले जा सकते हैं ना, मार्केट में ले जा सकते हो, महेंद्र नगर के लिए 5 बनाना पड़ेगा। अच्छा 5 यहाँ नहीं बनेगा, गड्ढा चौकी बनेगा। अच्छा वन बस से वैसे एक दिन का कितना लगता है सर? महेंद्र नगर के लिए पैसा नहीं लगेगा। अच्छा एक दिन के लिए महीने से आए जाएंगे तो कस्टम लगेगा, बंसर लगेगा। अच्छा 2-3 सौ के आसपास है, जैसे हमें नेपाल जाना हो काठमांडू, काठमांडू जाना हो कितने दिन के हिसाब से लगे, पर डे का कितना रहता है वैसे? पर डे का दिन ऐसे बाइक को होगा ऐसे 3-4 सौ, 3-4 सौ 4-5 सौ, इंडियन का 2-3 सौ होगा इंडियन। थैंक यू सर, ऐसे 2-3 सौ। ओके सर, ओ भाई पहुंच गए गाइज, ये भाई ये जाएगा पूरा नेपाल से भाई इंडिया में, थक गए भाई, गर्म बहुत है गाइस यहाँ, मतलब ना गर्मी तो बिल्कुल ऐसी हो रही जैसे हल्द्वानी में नहीं होती थी गर्म, सेम ऐसी गर्म हो रही है इधर पे। अभी है नहीं मेरे गेम में, अभी सेट करने पड़ेंगे गाइस यार, मछली पकड़ के ले आए हो, कौन सा सही रहेगा, क्या पकड़ के लाए, मछली सांप दिखाओ, नहीं दिखाना है नजर लग गई, दिखाओ तो सही, नजर लग गई नजर, सांप है ना, सांप नहीं होंगे यार। तो गाइज वहां से कंप्लीट करने के बाद अभी हम खड़े हैं नेपाल इंडिया के बीच में जो शारदा नदी से होते हुए जाती है ऊपर से, तो फिलहाल गाइज यहां से निकलते हैं आगे के लिए, गाड़ी में थोड़ा आवाज़ आ रही थी इसलिए हम रुके थे, देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, तो चलते हैं यहां से आगे के लिए, तो आगे जो है बॉर्डर आता है तो वहां से बॉर्डर से निकलते हैं आगे के लिए हल्द्वानी। हाँ सर रुको 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 रुको, सर रोक दिया, रुको लो गाड़ी, ओ भैया रोक लिया फिर से, इसको बैक लग लेग गार्ड बोलते हैं, बैक लेग गार्ड, बैक गार्ड, हां बैक लेग गार्ड, बैक लेग गार्ड, ले भी गाड़ी में मुंह भी मुंह, हां सर बढ़िया है सेफ्टी, दोनों साइड में है, दोनों साइड लगभग कितने पड़ता है, ऑनलाइन ऐसे पड़ेगा, ऑफलाइन मार्केट में भी देखना आप लोग, रहता हूं जब हल्द्वानी आता होता है कभी, आप भी ऐसी बना लो ना सर मॉडिफाई थोड़ा करा के, लाइट वाइट ये वो है तो सिंपल है मेरे पास, इसका टायर चेक कर दे, मैं दूसरा लगाऊंगा, देख लो अमेजोन में क्या पता दिख जाए, इस साइड से इसमें और यहाँ पे लगे, और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अलावा, ये बैग वैग रखते हैं पीछे लाइट का, ठीक है सर बाय, जय हिंद सर। तो
तुम्हारा नानू पहाड़ी पहुंच चुका है नानक मत्ता के डैम पे। तो मेरे पीछे साइड देखोगे ना, ये है नानक मत्ता की डैम। तो गाइस ये देखो, यहाँ से ना गाइस दूर दूर तक देखोगे ना तो तुम्हें पूरा भाई पानी पानी नजर आएगा। पूरा कहीं पर भी जमीन नजर नहीं आएगी, यहाँ से दूर तक देखो पूरा पानी पानी नजर आएगा। तो फिलहाल भाई इसको देखने के लिए हम पहुंचे थे यहाँ पर। तो भाई क्या प्यारा सा व्यू है यहाँ, थोड़ा नीचे चल के देखते गाइस। गाइस यहाँ देखो कितना मस्त सा हो रखा है। सो गाइस ये है डैम नानक मत्ता का भाई, जहाँ तक देखोगे ना दूर दूर तक देखो आप तो भाई पूरा वही नजर आएगा तुम्हें, पानी पानी पूरा पानी है भाई इस डैम में। छू लेते हैं गाइस इस डैम के पानी को भाई। भाई ये गाइस ये पानी जो है ना रोक के बनाया गया हुआ है इस पे ना, पूरे उस पे मैदान पे रोका हुआ पानी है, डैम कहते हैं इसको। तो इससे लाइट वगैरह उत्पन्न होती है इस पानी से, पूरा पानी है गाइस वहां तक देखो ना सब पानी पानी होगा पूरा जितना देखोगे इधर तक। सो गाइस ना यहाँ डैम के भी दर्शन हो गए हैं, आपको भी दिखा दिए। तो अब यहाँ से चलते हैं।